शार्क टैंक इंडिया देखते हैं तो इन्हें तो जानते होंगे। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में शार्क के बीच एक बार फिर से गर्मा गर्मी हुई है। कर्ज और इक्विटी को लेकर शार्क टैंक के जज अमिता थापर और अनुपम मित्तल आपस में भिड़ गए। नमिता के कर्ज को इक्विटी के मुकाबले सस्ता बताते हुए अनुपम उखड़ गए और इक्विटी को सही बताया। इसी को लेकर दोनों में काफी देर तक झगड़ा चलता रहा। हालांकि आखिर में नमिता को बात माननी ही पड़ी और डील नमिता और विनीता सिंह के साथ की ही। चीनू काला और अमित काला अपने ज्वेलरी ब्रांड के लिए फंडिल हासिल करने को शार्क टैंक इंडिया में आए थे। दोनों पति पत्नी के संघर्ष की कहानी में शार्क काफी प्रभावित हुए। चीनू और अमित 1% इक्विटी पर 1 करोड़ और 12% वार्षिक ब्याज पर 15 लाख रुपए हासिल करने में कामयाब रहे हैं। चीनू ने बताया कि उनके पिता उन्हें केवल 13 साल की उम्र में ही घर से जाने को कह दिया था। चीनू ने अपने करियर की शुरुआत डोर टू डोर सेल्स की है। वह ब्यूटी पिचेस में पहुंची और फिर अपने पति के साथ ज्वेलरी ब्रांड की शुरुआत की। उनकी कंपनी का बुश स्टेप मॉडल सास को काफी ज्यादा पसंद आया है। सास नमिता चीनू को बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, हमें उस्तादों से सीखा और अपने हालातों से। चीनू और अमित ने 0.5% इक्विटी पर 1.5 करोड़ रुपए की मांग की। अनुपम और मित्तल विनीता और उनके ज्वेलरी ब्रांड में काफी संभावनाएं नजर आती हैं। अमन ने अपनी कंपनी को फाउंडर बनाने की इच्छा जताई है जिसे पिचर्स ने ठुकरा दिया। नमिता और विनीता ने मिलकर 1% इक्विटी पर 1 करोड़ रुपए और 12% ब्याज पर 50 लाख रुपए देने का ऑफर दिया था। अनुपम में 1.5 करोड़ रुपए 1% इंटरेस्ट पर देने की हामी भरी थी। नमिता ने पिचर्स को समझाया कि कर्ज इक्विटी के मुकाबले सस्ता है। इस पर अनुपम ने एतराज जताया और इक्विटी को अच्छा ऑप्शन करार दिया। इस पर दोनों में बहस हो गई। हालांकि दूसरे साल अमन के इस मामले पर नमिता का पक्ष लिया। काफी देर बहस के बाद अनुपम पीछे हट गए और नमिता और विनीता चीनू और अमित के साथ डील की। आपको क्या लगता है कि शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद चीनू काला का कैरियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइए।